इस वक्त हमारे पास आज की डेट में देखें तो 65 के करीब पेशेंट्स हैं जो DCH में हैं। DCH में हमारे पास सारे पेशेंट जो होते हैं सीवियर पेशेंट होते हैं, जिनकी सेचुरेशन 90% से कम होगी। जो जिनकी भी सेचुरेशन 90% से ऊपर होगी वो हमारे पास नहीं होते, और वो बेसिकली DCHC या DCC में होते हैं। वो जैसे सरू है या डलहौजी है, बट उससे ज़्यादा जो सीरियस होते हैं वो सारे हमारे पास आते हैं, वो DCH। हमारे पास वेंटिलेटर्स का हैं पूरे, डॉक्टर्स 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। और हमारे पास जो पेशेंट हैं उनमें से कुछ पेशेंट, जो 5-6 पेशेंट इतने वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और उनमें कुछ डेथ्स भी हो रही हैं, तो ज़्यादातर पे उन पेशेंट्स की डेथ होती हैं जिनको तो कोमॉर्बिडिटीज़ है या फिर जो लेट प्रेजेंट करते हैं। तो ये सबके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट अगर घर में बैठ, जो भी आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में है, वो अपनी सैचुरेशन जरूर चेक करते रहें। सैचुरेशन जब कम होती है तो इमीडिएटली हमारे पास आएँ। उसके चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हो, अगर 94 से ऊपर है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे आराम करें और किसी से मिले जुले, अगर कोविड पॉजिटिव है आप तो। अगर 94 से नीचे है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, किसी न किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कईयों की जैसे नॉर्मल पे तो 94 से ऊपर है तो फिर उसको 6 मिनट वॉक कहते हैं हम, 6 मिनट आप आराम से चलें, 6 मिनट सैर करें, रूटीन वॉकिंग कहते हैं। और उसमें भी अगर आपकी सैचुरेशन 2 या 3 से ज़्यादा कम हो जाती है या फिर 94 से नीचे आ जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि उसमें आपको हमें मिलना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि कोविड पेशेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ अपनी अगर अच्छी तरह मॉनिटर कर लें, पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर कर लें और पल्स सैचुरेशन देखते रहें, तो सैचुरेशन कम होगी तो वो आएँ, और अगर उनको लगता है तो वो जल्दी आएँ, क्योंकि अदरवाइज लेट जो आ रहे हैं उन्हीं में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे रूटीनली 2 या 3 आजकल डेथ्स हो रही हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये लग रही है कि जैसे पूरे इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं और हमारी पीक जो उनसे हफ्ता 15 दिन लेट है, तो हमारा भी हफ्ता या 10 दिन के बाद हमारे भी कम होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसे गवर्नमेंट ने भी पूरे लॉकडाउन लगाया है, लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे पहले थोड़ा बहुत कोताही बरते हैं लोग, आजकल लोग काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। और मैं स्टिल लोगों को ये अपील करूँगा कि ये जो सारे फॉलो करते रहें, और उससे हमारे पास पेशेंट लोड काफ़ी कम मुझे लगता है कि हफ्ते के बाद हो जाएगा। जितने कम पेशेंट होंगे हमें मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, सामान तो खैर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है, पर मैन पावर हमारे पास स्पेशली ट्रेन डॉक्टर्स लिमिटेड। डॉक्टर साहब, पॉजिटिव पेशेंट्स तो कम हो रहे हैं लेकिन डेथ्स बढ़ रही हैं, क्या कारण है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है? देखो, डेथ जो है वो ऐसा तो थोड़ा इसलिए कहना, आप कह रहे हैं कि डेथ बढ़ रही हैं क्योंकि अब जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सिक पेशेंट, जो मैं पहले ही बताया क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो क्रिटिकल पेशेंट्स में, और अगर जैसे वो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, थोड़ी बदप्रेजी की और यहाँ आने थोड़ी लेट आए, उनमें डेथ होने के चांसेस हैं। और आजकल हम देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में भी डेथ हो रही है, यंग पेशेंट्स और बच्चों में भी थोड़ी बहुत डेथ हो रही है। हमारे पास बच्चों की तो कोई नहीं हुई, लेकिन यंग पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो बड़ी चिंता का कारण है। और वो वही हैं ज़्यादातर जिनकी एक तो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है और अदर कंडीशंस हैं, मैलिग्नेंसी है। हमारे पास एक लड़की थी जिसकी मैलिग्नेंसी थी, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर था, तो वो उसकी डेथ हुई है। तो ऐसे पेशेंट्स में डेथ थोड़ी सी हो रही हैं, बट यही अगर लोग जल्दी आ जाएं और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए जल्दी, क्योंकि प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, 4-5 ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे स्टीराइड टाइमली शुरू करना, कौन सी दवाई कब शुरू करनी है वो बड़ी ज़रूरी है, और कौन सी दवाई नहीं खानी है। जैसे स्टीराइड स्टार्टिंग में नहीं देने हैं, लोग स्टीराइड यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, लोग घर में ही बैठ के स्टीराइड खाना, ओरल स्टीराइड खाना शुरू कर रहे हैं माइल्ड डिजीज़ में, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो बड़ा गलत हो रहा है और उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ें अवॉइड करें और स्टीराइड्स ज़्यादा खाएंगे डायबिटिक पेशेंट, उनको म्यूकोरमाइकोसिस का भी खतरा रहेगा, तो वो ये चीज़ें अवॉइड करें लोग, तो टाइमली हमारे पास आए तो मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डेड बॉडीज़ को लेकर बहुत र्यूमर है, लोग हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, इसको लेकर साफ करें सर, क्या डेड बॉडी फैला सकती है कोरोना वायरस? देखो, जैसे हम डेड बॉडी मैनेजमेंट का तो एक पूरा हम डिपार्टमेंट है हमारे, जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी हुई है यहाँ पे कि हाउ टू मैनेज द डेड बॉडी। उसमें डेड बॉडी मैनेजमेंट का पूरा तरीका है और जो हम फॉलो करते हैं उसमें पूरा, पहले उस डेड बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, उनके जो पोर्स हैं वो बंद किए जाते हैं और उसके ऊपर उसको कवरिंग की जाती है,
और पूरी कवर्ड बॉडी होगी तो उसमें आपको फैलने के चांसेस बड़े मिनिमम हो जाएंगे। ऐसे भी जब तक डेड बॉडी जब क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब तक सांस नहीं लेगा कोई तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं जाएगा, नो डाउट सिक्रीशंस और अदर चीज़ों से जा सकते हैं, बट अगर जैसे हम सैनिटाइज करते हैं डेड बॉडी पूरी कवर करके जो बॉडी आती है हमारे बाहर तो उससे फैलने है, उससे कोविड फैलने का चांसेस मिनिमम है और डिस्पोज ऑफ करना भी बड़ा अच्छा है उसके। अच्छा जो बंदे जा रहे हैं और जो उनकी वो है सामान है बाकी वो भी डिस्पोज ऑफ करना, उसको जलाना तरीके से वो बड़ा जरूरी है, लोग आगे पीछे ना सामान फेंके। मैंने न्यूज़ में देख रहा था कि कई लोग उसके बाद रावी के किनारे फेंक देते हैं चीज़ें, तो वो ना करें, पूरी पूरी गाइडलाइंस है और प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो करें। सर आपकी ओर से कोरोना से बचाव को लेकर लोगों के लिए अपील? देखो कोरोना के बचाव के लिए वही शुरू से हमने जो 3-4 स्टेप्स थे वही अभी भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे, लेकिन ये है कि कभी कभी बीच में हम सबको थोड़ा सा लगता है कि अब कोरोना कम हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा ये कर लें, बट अभी रिलैक्सेशन का कोई टाइम नहीं है। जब रिलैक्सेशन का टाइम आएगा तो सबको पता लग जाएगा, अभी आपको पूरी सावधानी बरतनी है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पीक पे है कोविड, तो आपको 15-20 दिन के लिए मिनिमम अभी तक तो वो पूरी परेशानियाँ वो सहनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर जीना है तो ये सहनी पड़ेंगी। बट अगर ये मामूली सी है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, वो सबको पता है। सबसे बड़ा ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जो सबसे जो हम असावधान हैं वो हम अच्छी मास्किंग नहीं करते। मास्क अलग चीज़ है और मास्किंग टू मास्किंग इज़ डिफरेंट। ऐसे मास्क तो हम सब पहन लेते हैं, लेकिन कोई नाक के नीचे है, किसी का मुंह के नीचे है, तो वो तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई मास्क पहनने का, वो तो हम दिखाने के लिए मास्क पहन रहे हैं या कि पुलिस वाले ना पकड़ लें। बट आपको डरना पुलिस वालों से नहीं चाहिए, पुलिस वाले तो आपकी हेल्प के लिए, आपको डरना चाहिए वायरस से। आप मास्क पूरा नाक पे पहने, नाक पूरा कवर होना चाहिए, और पहले एक फिट टेस्ट होता है, अगर जैसे 995 पहना, जैसे मैंने पहना हुआ है कि साइड से कहीं हवा नहीं चलनी निकलनी चाहिए, और जब मैं सांस खींचता हूँ तो अंदर सांस जाना चाहिए। तो N95 ये वैसे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है, पर बाकी जो है ट्रिपल लेयर मास्क भी पहन लें तो वो चलेगा। तो अच्छी तरह मास्क पहना, ठीक तरीके से मास्क पहना सबसे ज़रूरी है। वो जैसे डॉक्टर साहब आजकल घरों में भी लोगों को सर्दी जुकाम या बुखार होता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो आज के टाइम में अगर बुखार और खांसी और जुकाम है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें सबसे पहले कोविड के बारे में ही सोचना है। सारे पेशेंट जिनको थोड़ा सा भी रहता है ये प्रॉब्लम तो वो आएँ और टेस्ट करवाएं। टेस्ट RT-PCR भी हो जाएगा, रैपिड भी हो जाएगा, पर रैपिड नेगेटिव का मतलब 100% नेगेटिव नहीं होता। तो अगर रैपिड आपका नेगेटिव है और फिर भी आपको चांसेस ज़्यादा है, लग रहा है कि डॉक्टर को लग रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे कोविड है, तो आप RT-PCR कराएं, क्योंकि एक बार टेस्ट हो गया आपको क्लियर हो जाएगा कि है या कि उसी वही डिजीज़ है। क्योंकि फिर आपको अगर ये कोविड नहीं है और आपको नॉर्मल जुकाम है, क्योंकि नॉर्मल जुकाम भी हो सकता है, तो फिर तो डर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको अगर कोविड है, और मैक्सिमम पेशेंट्स तो घर में ही बैठेंगे, गए उनको होम आइसोलेशन में भेजेंगे, द ओनली थिंग दे हैव टू डू इज जस्ट टू चेक देयर ऑक्सीजनेशन। वही अगर वही मंत्र है, ऑक्सीजन घर में रहें तो ऑक्सीजन चेक करते रहें, बाहर जाएँ तो मास्क, कोविड वाले ना जाएँ, बट बाकी जो जब भी जाएँ बाहर तो वो मास्क पहन के जाएँ।